आई जस्ट से कि बस हमें किसी तरीके से निकाल दो, वी वांट टू गो बैक और वी वांट टू गो होम. हमारा संडे को वापसी होना था बट ड्यू टू दिस फ्लड. और जो मेन ट्रैक है वो टूटा हुआ है, वो भी है ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है जाने के लिए वापस. तो अभी लास्ट दो दिन से हम ट्राई कर रहे हैं वापस जाने का. I just want to say कि बस हमें किसी तरीके से निकाल दो. We want to go back. कितने दिन हो गए आपको मनाने? Wednesday, last Wednesday. It's been 1 week. प्रशासनिक तरफ से बदले मिल रही है पूरी? यहाँ ऐसे तो सब कुछ हो रहा है बट जो ये रोड्स है ना इनको वो उस तरीके से मेंटेन करना चाहिए कि कल को किसी को प्रॉब्लम ना हो. दिक्कत है रोड पूरी, जो मेन ट्रैक है वो टूटा हुआ है, वो भी है ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है जाने के लिए वापस. तो अभी लास्ट दो दिन से हम ट्राई कर रहे हैं वापस जाने का, लेकिन क्या यहाँ लाइट भी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, फोन कॉलिंग नहीं है, तो सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, फंसे हुए हैं. अभी जो मनाली विधानसभा में हम जो इस क्षेत्र में यहाँ पर अभी खड़े हैं, इसके इसी जगह पर जो है नजदीक में आप देख रहे होंगे यहाँ पर अभी भी मतलब पेड़ गिर रहे हैं और 5-6 लोगों के मकान चले गए हैं, जमीन और बगीचे चले गए हैं, लोगों का जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ. नेट कनेक्टिविटी नहीं है और बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो बहुत ज्यादा मतलब नुकसान इस इलाके में हुआ है. 1000 से ज्यादा गाड़ियां, अभी उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, मनाली से निकल चुकी है और आज रात मुझे लगता है कि 5000 गाड़ियों में से 3000 गाड़ियां या 5000 गाड़ियां रात को निकल जाएगी. अगर कोई टूरिस्ट मनाली रहना चाहता है और उसके बाद सुबह जाना चाहता है तो सुबह भी निकल जाएगी, क्योंकि हमने वन वे ट्रैफिक कर दिया. मनाली जाने वाली सभी गाड़ियों को अभी रुका हुआ है और जो मनाली से आने वाली गाड़ियां हैं उनको हमने जाने की अनुमति दी है, क्योंकि जो मनाली जाएगी तो फिर जिस रास्ते से हम निकाल रहे हैं वहां सिर्फ सिंगल गाड़ी ही निकल सकती है. तो सबसे पहले हमें अपने पर्यटकों को सही स्थान पर उनके घर तक पहुँचाने का दायित्व है. हमने टारगेट रखा है सभी लोगों ने कि कल 4 बजे तक सभी पर्यटकों को, चाहे तीर्थन वैली में है, चाहे कसोल वैली में है, चाहे सैंज वैली में है, हम सबको निकाल देंगे, कल सबके रास्ते हम खोल देंगे.